हमारी वीडियो शुरू करते हैं जो है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे एक्सिस के बारे में। तो हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड। तो आपके सामने एक ज्योमेट्री है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रेड वो हमको एक्स रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही ये ग्रीन लाइन है ये हमको वाई रिप्रेजेंट करती है, ये एक्स, ये वाई एंड ये जो वर्टिकल है ये है हमारी जेड। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर 3D में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 3D जरूरी है। तो वैसे ही हमारे पास ब्लेंडर में 3D है जिसमें ये जेड जो वर्टिकल है, ये वाई आप देख सकते हैं y की लाइन में, ये x आप देख सकते हो। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ज्योमेट्री है तो उसको हमें मॉडल में कन्वर्ट करना है 3D मॉडल में। तो उसके लिए हमको तीन एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कोई क्यूब एड करता हूँ, अभी ये मैंने क्यूब एड किया, आप देख सकते हो ये क्यूब है। क्यूब में भी ये y, ये x एंड वर्टिकल है ये हमारी, आप देख सकते हो वर्टिकल, ये हमारी है z। तो आपको नोट कर देता हूँ, ये है हमारी x, सॉरी ये हमारी y, ये है हमारी x एंड ये है हमारी z। आप देख सकते हो ये क्यूब है, उसके पास भी तीन एक्सिस है। आप वैसे आप इमेजिन कर सकते हो अपने रूम के कोई भी कॉर्नर, तो अगर आप कॉर्नर में देखते हो तो वहाँ पे भी आपको एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मिलेगी। तो हमारे पास जो ब्लेंडर है उसमें एक्स को रेड कलर में, वाई को ग्रीन कलर में एंड जेड को ब्लू कलर में डिनोट किया हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में। ये हमारा क्यूब है तो ये हमारे अभी वर्ल्ड ओरिजिन पे है, बट मुझे इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सिलेक्ट, अभी सिलेक्ट नहीं है तो ये ऑरेंज, अभी डी सिलेक्ट है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, देख सकते हो ये बॉर्डर इसकी ओरिज में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद प्रेस जी फॉर ग्रैब, जैसे ही आप जी प्रेस करते हो तो ये अब हमारे कर्सर के साथ मूव होता है, आप देख सकते हो। मुझे इसको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ले जाके प्रेस लेफ्ट क्लिक, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से मैंने इसको ग्रैब करके यहाँ पे रखा हुआ है। फिर से मुझे यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे लाना है, तो सिलेक्ट दिस एंड प्रेस जी एंड ग्रैब। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। वापस इसको वर्ल्ड ओरिजिन पे लाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट रोटेशन। अगर हमारे पास क्यूब है तो उसको रोटेशन भी कुछ चाहिए, कुछ जो कोई ज्योमेट्री हो जिसमें 90 डिग्री, 45 डिग्री या 50 का कोई रोटेशन है, तो उसको लाने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेस आर, इससे ये रोटेट होगा, देख सकते हो। जैसे ही हम हमारा कर्सर मूव करते हैं वैसे ये रोटेट हो रहा है। अगेन प्रेस आर, तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हो हमारा कर्सर चेंज हो चुका है। नॉर्मल आर एंड अगेन प्रेस आर, तब हमने
ज्योमेट्री के अनुसार इसको सेट कर सकते हो, और प्रेस क्लिक लेफ्ट क्लिक तो ये ऐसे स्टॉप हो जाएगा। नाउ डिस्कस अबाउट स्केल। तो अगर मैं इस क्यूब की साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, प्रेस एस फॉर सिलेक्ट फॉर स्केल द क्यूब। तो मैं कर्सर को दूर ले जाता हूँ तो ये इसकी साइज बड़ी हो रही है, आप देख सकते हो, और नजदीक ले जा रहा हूँ तो इसकी साइज छोटी हो रही है। तो इतना रख के मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी साइज बड़ी हो चुकी है। इसको मुझे छोटी साइज में कन्वर्ट करना है तो प्रेस एस एंड कर्सर को नजदीक ले जाते हैं तो ये देख सकते हैं आप इसकी साइज छोटी हो चुकी है। तो ये हुई हमारी सिंपली आर फॉर रोटेशन, एस फॉर स्केलिंग एंड जी फॉर ग्रेब और मूवमेंट। अब यही चीज को हमें एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में देखना है। नाउ अगर मैं इस क्यूब को, ये अभी स्क्वायर है, इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रेस सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को एंड प्रेस एस फॉर स्केल एंड मुझे अभी इसको ओनली ऑन एक्स डायरेक्शन में स्केल करना है तो प्रेस एक्स। आप देख सकते हो ये ओनली एक्स डायरेक्शन में ही स्केल हो रहा है। आप देख सकते हैं स्क्वायर को मैंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे ही आपको अगर इसको वाई डायरेक्शन में स्केल करवाना है तो प्रेस एस एंड वाई। आप देख सकते हो ओनली ऑन ये वाई डायरेक्शन में ही स्केल हो रहा है। सिमिलरली आपको जेड डायरेक्शन में स्केल करवाना हो तो प्रेस एस एंड जेड। आप देख सकते हो ये ओनली ऑन जेड डायरेक्शन में ही स्केल हो रहा है। और वापस से मैच करके इसको वापस उसकी जगह रख देते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट जी फॉर मूवमेंट। अगर मुझे इस क्यूब को ओनली ऑन एक्स डायरेक्शन में ही मूव करवाना हो तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेस जी फॉर सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट आई प्रेस एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन। आप देख सकते हो ये क्यूब ओनली ऑन एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मुझे इसको यहाँ पे रखना है तो लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब मुझे इसको वाई डायरेक्शन में ग्रेप करवाना है तो प्रेस जी एंड वाई। तो आप देख सकते हैं ये ओनली ऑन वाई डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है। और आपको जेड में करना है तो जी प्रेस जेड। आप देख सकते हैं ओनली ऑन जेड डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। ये हुई हमारी ग्रेप की बात, मूवमेंट की बात। अब हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन के लिए ये जो हमारा क्यूब है उसको सिलेक्ट किया और अब मुझे इसको ओनली ऑन एक्स डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, प्रेस आर फॉर रोटेशन एंड प्रेस एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन। अब देख सकते हो ये ओनली ऑन एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। प्रेस लेफ्ट क्लिक फॉर स्टॉप दिस। अब देख सकते हो ये हमारा क्यूब रोटेट हो चुका है एक्स डायरेक्शन में। अब मुझे इसको वाई डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो प्रेस आर एंड वाई। तब देख सकते हो ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है। अब मुझे इसको जेड डायरेक्शन में रोटेट करवाना हो तो प्रेस आर एंड जेड। तब देख सकते हो ये ओनली ऑन जेड डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है। ये हुई हमारी एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन विथ ग्रेप रोटेशन एंड स्केल। अब यहाँ पे हमारे पास टूल मेनू है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल है। अब हमने बात की ग्रेप की, रोटेशन की एंड स्केल की, तो हमने वो कीबोर्ड की शॉर्ट की देखी, बट हमारे पास यहाँ पे टूल है उसमें भी हम ये सब चीज़ देख सकते हैं। अगर आप जी प्रेस करना नहीं चाहते और आपको इस क्यूब को मूव कराना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मूव वाला ऑप्शन है, मूव वाला टूल है, उसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो एक
कर्सर टाइप आ चुका है, तो यहाँ पे आप वाई डायरेक्शन में इसे मूव करवा सकते हो, एक्स डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो एंड जेड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको एक्स डायरेक्शन में मूव करवाना है तो ग्रीन एरो पे जाइए, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके होल्ड रखें एंड ग्रैब कीजिए। आप देख सकते हो आप ग्रैब करते हो तो ये मूव हो रहा है। अब जैसे ही लेफ्ट क्लिक को छोड़ोगे तो वो अपनी जगह चेंज कर देगा। आप देख सकते हो ऐसे ही, तो जेड वाला जो ब्लू वाला कर्सर है उसके ऊपर, ब्लू वाला एरो है उसके ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक किया और ग्रैब किया, तो आप देख सकते हो ये मूव हो रहा है। वैसे ही आप एक्स डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ये हुई हमारी मूवमेंट की बात। अब हम बात करेंगे रोटेशन की। तो रोटेशन के लिए हमने जो आर प्रेस करते थे उसके जिसमें ये टूल रोटेशन टूल, रोटेशन टूल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा जो एरो वाला था वो चेंज होके ऐसे कव में आ चुका है। तब हमको क्या करना है, अगर आपको एक्स डायरेक्शन में, आप देख सकते हो हमारी ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन में क्यूब को मूवमेंट करवाना है तो ये हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन हमको एक्स डिनोट करती है। तो यहाँ पे भी जो रेड कर्व है, रेड ये हमारा एक्स डिनोट करता है, तो रेड कर्व पे जाके लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो हमारा क्यूब रोटेट हो रहा है ओनली ऑन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वैसे ही जेड ब्लू फॉर जेड, तो जेड पे क्लिक किया, ब्लू पर क्लिक किया, ब्लू कर्व पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये मूव हो रहा है। वैसे ही वाई फॉर ग्रीन, तो आप देख सकते हो ओनली ऑन एक्स डायरेक्शन पे ही ये मूवमेंट हो रहा है। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्केल। तो ये थर्ड जो हमारा स्केल डिनोट करता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो हमारा जो नोटेशन था वो चेंज हो चुका है। सेम थिंग ये वाई, वाई पे हम करते हैं तो ये सॉरी इसमें आपको पता नहीं चलेगा, न्यू फाइल एंटर करते हैं हम, एक क्यूब प्रेस स्केल, आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब को सिलेक्ट करके हमने ये टूल यूज किया है स्केल वाला। अब हम इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल करवाते हैं, तो जो ग्रीन पॉइंट है उसके ऊपर जाके प्रेस लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड एंड ड्रैग, तो आप देख सकते हो ये क्यूब ओनली ऑन वाई डायरेक्शन में ही स्केल हो रहा है। वैसे ही अब हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन वाले जो पॉइंट है उसके ऊपर रेड पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड ड्रैग करते हैं, आप देख सकते हो ये मूव हो रहा है, ये स्केल हो रहा है। वैसे ही हमारे पास जो रेड डायरेक्शन वाला पॉइंट है, ब्लू पॉइंट, उसके ऊपर जाके क्लिक करके मूव करवाते हैं तो आप देख सकते हो ये ओनली ऑन जेड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये हुई बात स्केलिंग, रोटेटिंग एंड मूवमेंट की बात। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।